चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। जेई एडवांस 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है हमारे पास दिया हुआ इस प्रॉब्लम में? E1, E2 और ER, थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। किसकी किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज Q की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ इन कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वजह से, और इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जिसपे सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो तीनों की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ तो चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसी डिस्टेंस आर पे। इसी तरह अगर लीनियर चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करो जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना हो जाता है? 2k लैम्डा अपॉन आर। ये तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा। इसी तरह E3 की अगर बात करूँ इनफाइनाइट प्लेन की जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन 2ε। तो इसके बाद अब हमें क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है कि किसी आर नॉट डिस्टेंस पे ये तीनों इक्वल है। तो किसी आर नॉट डिस्टेंस पे ये तीनों इक्वल है, यानी के क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 होगा। अब देखो, अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसी से हमें ऑप्शन की तरफ जाना है। तो पहला क्या ऑप्शन है? क्यू और किसके बीच में रिलेशन है? आर नॉट और सिग्मा के बीच। तो क्यू और सिग्मा किस में? इन दोनों में। तो इन दोनों में अगर निकालूं मैं, तो देखो इसको क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको सिग्मा अपॉन 2ε0। तो क्यू कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू कितना हो जाएगा? ε0 से ε0 कैंसिल, सिग्मा पाई अपॉन आर नॉट 2 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। और गिवन क्या है? ये 2 कैंसिल कर, गिवन क्या है ऑप्शन में? 4 सिग्मा पाई अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह अगर इस ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की, तो बी के लिए देख लो किस में रिलेशन गिवन है? सिग्मा और पाई में दिख रहा है, इस ऑप्शन में सिग्मा और पाई है, सिग्मा पाई किस में है? इसमें और इसमें। तो इन दोनों को इक्वल करके रिलेशन निकालो, तो कितना लिख सकता हूँ? 2k को कितना? 4πε0। तो ये हो जाएगा 2πε0, 2 से कैंसिल, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, 2 से 2 कैंसिल, ε0 से ε0 कैंसिल। तो किस में गिवन है हमारे पास? आर नॉट गिवन है, कितना? ये आर नॉट है ना, 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट होता है ना, 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट होता है ना, तो यहाँ पे ये आर नॉट हो जाएगा। तो आर नॉट कितना हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन सिग्मा पाई सिग्मा पाई लैम्डा बाई सिग्मा पाई हो जाएगा। आर नॉट लैम्डा बाई सिग्मा पाई है क्या? लैम्डा बाई 2π सिग्मा है, दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो इसी तरह देखना है, देखो पहले इसमें क्वांटिटी मैच करो, Q और सिग्मा है तो Q और सिग्मा इन दोनों में, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। इसमें लैम्डा और सिग्मा है तो लैम्डा और सिग्मा वाले क्वांटिटी को इक्वल कर दिया। अब इसमें देखते हैं, अब आर नॉट डिस्टेंस पे E1 निकालूं अगर, तो E1 एट आर नॉट 2 कितना हो जाएगा? E1 एट आर नॉट 2 कितना हो जाएगा? KQ अपॉन 4π, KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो के क्यू 4πε0 लिखो, क्योंकि सारा 4πε0 इंटू आर नॉट बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आर नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, यही होगा ना। आर नॉट की क्या लिख दिया? आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखो आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? आर नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? πε0 आर नॉट स्क्वायर बचेगा। अब E2 आर नॉट बाई 2 फाइंड करते हैं, और E2 आर नॉट बाई 2 कितना हो जाएगा? E2 आर नॉट कितना होता है? 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट होता था, तो आर नॉट बाई 2 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4k लैम्डा बाई आर नॉट होगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, हमें ये दोनों पता है। तो E1 आर नॉट के टर्म में इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो E1 आर नॉट कितना था? E1 आर नॉट था क्यू अपॉन 4πε0 आर नॉट स्क्वायर। तो इसको अगर लिखूं मैं तो कितना लिख सकता हूँ? देखो 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 से नीचे मल्टीप्लाई तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? ये लाने के लिए। तो ये लाऊंगा अगर, तो ये देख लो ये कितना लिख सकता हूँ? 4 इंटू E1 आर नॉट लिख सकता हूँ। तो E1 आर नॉट बाई 2 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, E1 आर नॉट बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू E1 आर नॉट। तो E1 आर नॉट को कितना लिख सकता हूँ? 1/4 इंटू E1 आर नॉट 2। अब इसी तरह E2 आर नॉट को, E2 आर नॉट बाई 2 को E2 आर नॉट के टर्म में निकालने की कोशिश करो, तो E2 आर नॉट कितना होता है? 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट। तो इसको कितना, देखो सिंपल दिख रहा है,
इसको टू से मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड करो, तो टू इंटू वन बाई टू इंटू फोर के लैम्डा अपॉन आर नॉट दिख रहा है। तो ई टू आर नॉट कितना, हाफ इंटू ई टू आर नॉट बाई टू, ये दिख रहा है। और हमें पता है कि ई टू आर नॉट ई वन आर नॉट की इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करूँगा तो कितना आ जाएगा, वन बाई फोर ई वन आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू ई टू आर नॉट बाई टू। किया क्या, कुछ किया, क्या किया, पहले इसका ये निकाल लिया, उसके बाद फिर क्या फाइंड कर लिया, ई वन आर नॉट के टर्म में ई वन आर नॉट बाई टू को और ई टू आर नॉट के टर्म में ई टू आर नॉट बाई टू को फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया, इसमें पुट करके और दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा इससे ये लिया, तो ई वन आर नॉट बाई टू कितना आ जाएगा, टू इंटू ई टू आर नॉट बाई टू। ऑप्शन में क्या है देख लो, ऑप्शन में यही है, तो सी मैच और कर गया, मल्टीपल करेक्ट है तो इसको भी चेक करते हैं। तो इसी तरह अगर डी को देखें तो अभी ई टू आर नॉट बाई टू कितना फाइंड किया था हमने, फोर के लैम्डा अपॉन आर नॉट, इसको कितना लिख सकता हूँ, टू इंटू ई नॉट आर नॉट। तो ई नॉट आर नॉट को कितना लिख सकते हैं, हाफ इंटू ई टू, ई टू सॉरी ई टू आर नॉट ना, ई टू आर नॉट बाई टू, ठीक है, ये हो गया। ई टू आर नॉट को कितना लिख सकते हैं, हाफ इंटू ई टू आर नॉट बाई टू अभी फाइन किया था, और ई थ्री आर नॉट बाई टू फाइन करते हैं, तो ई थ्री आर नॉट बाई टू कितना हो जाएगा, ई थ्री आर नॉट कितना था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसमें तो आर का टर्म नहीं है, तो ई थ्री आर नॉट बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई थ्री आर नॉट बाई टू हो जाएगा ई थ्री आर नॉट के इक्वल, क्योंकि इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर पे, आर से इंडिपेंडेंट होता है, आर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब फिर इस दोनों इक्वेशन को यूज करके और फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ई टू आर नॉट को कितना लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ई टू आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू ई थ्री आर नॉट को ई थ्री आर नॉट बाई टू। तो आ रहा है क्या, देखो ई टू आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू आ जा रहा है टू इंटू ई थ्री आर नॉट बाई टू आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर क्वांटिटी और तुमको फार्मूला याद है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पाँच से दो से तीन मिनट के अंदर तुम इस क्वेश्चन को इजीली एग्जाम में कर पाओगे।